टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट एक हृदय से संबंधित एक जन्मजात दोष है जो एक बच्चे के हृदय में से होने वाले सामान्य रक्त प्रवाह को बदल देता है एक स्वस्थ हृदय के चार चैंबर यानी खंड होते हैं निलय शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद ऑक्सीजन से वंचित दाएं एट्रियम में प्रवाहित होता है जब दाया एट्रियम सिकुड़ता है तो यह रक्त को विश्रामित वेंट्रिकल में भेजता है उसके बाद दाया वैट्रिकल सिकुड़ता है और पल्मोनरी, यानी फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से रक्त को फेफड़ों में भेजा जाता है फेफड़ों में से रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है और फिर बाएं एट्रियम में लौटता है उसके बाद बाया एट्रियम संकुचित हो जाता है और विश्रामित बाय वेंट्रिकल को रक्त से भर देता है और बाया वेंट्रिकल संकुचित होता है और एओटा यानी महाधमनी के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है और पहुंचाता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट एक हृदय से संबंधित एक जन्मजात दोष है जिसमें हृदय की और उसकी रक्तवाहिकाओं से संबंधित चार समस्याएं शामिल है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या वीएसडी दो वेंट्रिकल के बीच की दीवार में मौजूद एक छेद है इस छेद के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त ऑक्सीजन से वंचित रक्त के साथ मिल जाता है एक ओवरराइटिंग एवोटा यानी महाधमनी यानी एवोटा के स्थान के हृदय में अपने सामान्य स्थिति से थोड़ा स्थानांतरित हो गया है यह वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के स्थान के ठीक ऊपर बैठता है इसके कारण एवोटा के माध्यम से दोनों वेंट्रिकल्स में से प्रवाहित तो होता है नतीजतन, थोड़ा ऑक्सीजन से वंचित रक्त शरीर में प्रवाहित हो सकता है पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब यह है कि मुख्य पल्मोनरी यानी संकुचित हो गई है और पल्मोनरी वाल पूरी तरह से नहीं खुलता है इस धमनी के संकुचित हो जाने के कारण फेफड़ों में कम रक्त पहुंचता है राइट वेंट्रिकुलर हाईपटॉफी का मतलब यह है कि दाय वेंट्रिकल की दीवार सामान्य से अधिक मोटी है यह स्थिति वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण होने वाले रक्त के प्रवाह की प्रतिक्रिया में और संकुचित हो गई पल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से रक्त पंप करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होने के कारण हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ जाता है एक साथ ये चार समस्याएं ऑक्सीजन को बच्चे के शरीर तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचने से रोक सकती है इसके परिणाम स्वरूप साइनोसिस या ब्लू यानी बच्चा नीले रंग का हो जाना नाम की स्थिति की घटनाएं हो सकती है स्थिति में बच्चे की त्वचा होट और उंगली के नाखून नीले रंग के हो सकते हैं टेटोलॉजी ऑफ फैलाउट के बारे में अधिक जानने के लिए अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें